press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा आर्य सामाजिक परिषद के सहयोग से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसे सांसद डॉ. करण सिंह यादव ओम ध्वज और हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे लेकर आर्य कन्या स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि शोभा यात्रा विद्या मंदिर स्वामी दयानंद मार्ग से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंचेगी। शोभा यात्रा 10 फरवरी को सुबह 9:30 बजे निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्यालय समिति प्रधान जगदीश गुप्ता, निदेशक कमला शर्मा और प्रदीप आर्य आदि मौजूद रहे। महर्षि स्वामी दयानंद का 194वां जन्म दिवस आर्य कन्या विद्यालय समिति और समस्त आर्य समाजों की तरफ से मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हर वर्ष आर्य कन्या विद्यालय और आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद पे विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकालते हैं और बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद का जो उद्देश्य था कि स्त्री शिक्षा, छुआछूत का विरोध और समाज में जो कुप्रथाएं चल रही हैं उन सब का विरोध करने की एक अच्छा मौका हमारे आर्य कन्या विद्यालय और सभी के सामने है और हम उसी प्रकार की झांकियां यहां निकालते हैं। आर्य कन्या विद्यालय श्री राम विलाल आर्य कन्या छात्रावास अलवर की समस्त आर्य समाज और प्रमुख जनों के सहयोग से महर्षि दयानंद का जन्म दिवस 194वां जन्म दिवस शनिवार 10 तारीख को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। विशाल रैली निकलेगी, उसको सुबह 9:30 बजे वर्तमान MP श्री डॉक्टर करण सिंह जी हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा शोभा यात्रा कंपनी बाग, मन्नी का बर्ड, अंसारी बाजार, मोम सर्कस, बजाजा बाजार होते हुए अलग अलग बाजार से अग्रवाल धर्मशाला के सामने से सीधी वापस यहाँ पर आएगी।